जीवन में समृद्धि को पाने के लिए, वैभव को पाने के लिए ये हम किस चीज को समर्पित करें जिससे देवता हमारे अनुकूल हमारे सुख को प्रदान करें। भगवान श्वेत ने काल तिल का वर्णन किया। काल तिल जानते होंगे, काली तिल्ली जिसको बोला जाता है। यज्ञ में तीन चीजों की मूलता रहती है, एक चावल, काली तिल्ली और जौ। ये तीनों का क्रम अलग अलग आता है। काली तिल का यज्ञ भाग में दे देने पर, यज्ञ में अपन जो काली तिल्ली डालते हैं, इससे घर परिवार में जितने लोग रहते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है। ठीक है, अब छत अगर यज्ञ में दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए लक्ष्मी की वृद्धि कराता और पितरों को उतारता है। जौ, जौ का बड़ा महत्व है। आप लोग देखे होंगे दाना जौ का, तीन जगह पर दाने जौ का। जौ का दान कितनी जगह पर है? तीन जगह। एक ब्रज मंडल में कहीं घूमने के लिए जाए, कहां पर? ब्रज मंडल में कहीं जाए तो थोड़ी सी जौ जरूर लेकर जाए, उसको फटक देने पर हमारे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। एक जौ ब्रज मंडल में। जौ का भाग दूसरे नंबर पर जाता है गंगोत्री। कहां पर? गंगोत्री। गंगोत्री में अगर जौ का दान दे दिया जाए तो घर में किसी की अकाल मौत नहीं होगी। याद रखना, किसी का अटैक, शुगर, कोई बड़ी बीमारी आदि आदि कोई भी बड़ी बीमारी किसी को नहीं होती अगर जौ गंगोत्री में छोड़ी जाए। तीसरा जौ का दान होता है नैमिषारण्य। कहां पर? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में अगर जौ का दो दाना अगर समर्पित कर दिया जाए तो याद रखना वहां केवल दो दाने जौ के छोड़ देने पर घर में कभी क्लेश नहीं रहेगा। नैमिषारण्य, तीन जगह दानों का महत्व, जौ के दान की पुण्यता। तो यहाँ जो काल तिल का महत्व करा गया तो कहा वो काल का हरण कर लेगा।